अखिलेश यादव ने विधानसभा के गेट नंबर 2 के बाहर धरना दिया, 2 मिनट का मौन रखा। अखिलेश ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्नाव की बेटी बहादुर बेटी थी, अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए काला दिन है आज का दिन। उन्नाव की बेटी जिंदा रहना चाहती थी, उन्नाव की बेटी को हम न्याय नहीं दे पाए। उन्नाव की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। योगीराज में ये पहली घटना नहीं है। उन्नाव मामले में आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये एक बड़ी बात जो कि कही जा रही है कि उन्नाव मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बेटियों पर अत्याचार से देश में गुस्सा है। ये सारे के सारे बातें, सारे के सारे बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। पीड़िता की मौत के लिए यूपी सरकार दोषी है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया कि जो लोग आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की यूपी सरकार से जुड़े हुए लोगों से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उन लोगों के खिलाफ में शुरुआत में कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस्तीफा मांगा है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये सुनते हैं अखिलेश यादव ने धरना प्रदर्शन के दौरान में R9 टीवी और दूसरे मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। जो बेटी के साथ हुआ है बहादुर थी, उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो जिंदा रहना चाहती थी। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह करके और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर जो थे इलाज कर रहे थे उनसे कहा उसने, और सबकी कोशिशों के बाद भी, सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई।